नागपुर में एक कंपनी में बड़ा धमाका हो गया। पुलिस के अनुसार रविवार को हुए इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 6 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। यह कंपनी नागपुर अमरावती रोड पर बाजार गांव में स्थित है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार विस्फोट लगभग 9:30 के करीब हुआ है। बताया जा रहा है कि विस्फोट उस वक्त हुआ जब विस्फोटकों को पैक करने का काम चल रहा था। विस्फोट काफी तीव्र था और यहां मौजूद कई मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वहीं घटना को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट लिखा है, यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। नागपुर में सोलर इंडस्ट्री में विस्फोट में 6 महिलाएं सहित 9 लोगों की मौत हो गई है। यह एक कंपनी है जो रक्षा बलों के लिए ड्रोन और विस्फोटक बनाती है। इसमें नागपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल है, लगातार संपर्क में है और IG, SP और कलेक्टर मौके पर मौजूद है। राज्य सरकार इस घटना में मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।